हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्केचिंग, जो कि हम इस HP के सेट से बनाएंगे। तो जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको पता होगा इनमें बहुत पहले ही हुआ था। सो मैं इसे बहुत लिमिटेड यूज करती हूँ। ये है वो रेफरेंस जिसके हम पोर्ट्रेट बनाने वाले। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट्रेट मैंने जब बनाया तो मुझे लाइटिंग का बहुत इश्यू आ रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही थी, इसमें परफेक्ट एक जो शेडिंग जो मैंने इस पोर्ट्रेट पे दी है वो एग्जैक्ट नहीं दिख रही थी। सो मैं आपको कुछ एक दो क्लिप दिखा देती हूँ, जो लाइटिंग पे भी डिपेंड करता है आपका पोर्ट्रेट कैसा दिखता है। ये है कुछ एग्जैक्ट जो पोर्ट्रेट मैं बना रही हूँ, बट लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे हमने सबसे पहले चारकोल पेंसिल यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे पिक्चर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मुझे ये अप्लाई करना है, सिर्फ मुझे इसे डार्क करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो रियलिस्टिक पेंटिंग का क्या होता है गाइस, कि आपको जहाँ जहाँ डिटेलिंग है ना, उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? एंड फिर आपको पता होगा कौन सा एरिया वाइट रखना है, कौन से एरिया पे आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है। तो जहां भी मुझे लग रहा है कि मुझे डार्क करना है, मैंने उसे चारकोल पेंसिल से ही करा है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है? आप इसे लाइट भी कर सकते हो। इसका ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इससे ना जो थोड़ा एक लेवल आपका डार्क और लाइट वाला कॉम्बिनेशन है ना, आप डायरेक्टली इसे ले सकते हो। इसमें क्या होता है, एकदम हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है, फिर उस पर आपको या फिर आपकी उंगली से या फिर किसी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है, तो आपको एकदम एक परफेक्ट इवन लुक देखने मिल जाए। मैंने इसमें बहुत लिमिटेड टूल यूज करे हैं गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास HP का सेट है, बट मैंने इसमें बहुत लिमिटेड टूल यूज करे हैं। तो ऐसा है कि मतलब जैसे जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे पास सेट नहीं है तो मैं कैसे डार्क करूंगा, तो आप कर सकते हो गाइस। उसके लिए हार्डली आपको तीन चार टूल लगेंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। जो बेसिक दो या तीन टूल है वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में। सो बस कुछ इस तरीके से आप इस वीडियो को फॉलो करके आप इजीली आपका रियलिस्टिक पेंटिंग या फिर डार्क पेंटिंग अचीव कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कुछ लाइटिंग का जो इशू मुझे किस तरीके से फेस करने मिल रहा है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई करा वहां पे डार्क है, और ये वाले वीडियो में आप देख सकते हो जैसे मैं कैमरे का मूवमेंट टर्न कर रही हूँ, ये अलग लुक आ रहा है, पेज को अलग रख रही हूँ तो ये अलग लुक आ रहा है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है गाइस। अदरवाइज जो पिक्चर है वो एग्जैक्ट ऐसी है जो अभी आपको दिख रही है। सो इस वीडियो को फॉलो करके आप कुछ इस तरीके की ड्रॉइंग बना सकते हो, वो भी इजीली, वो भी कम टूल के साथ। सो जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने हल्का हल्का पेंसिल से रब करा है, एंड देन वापस फिंगर से मैंने उसे ब्लेंड करा है, डार्क एरिया को वापस डार्क करा है, एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका कुछ लुक इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है? सो ब्लेंडिंग टूल में भी गाइज, ये मैंने ब्लेंडिंग टूल इसलिए यूज करा ताकि मेरा टाइम बचे, अदरवाइज आप ब्लेंडिंग टूल को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। एंड जितने भी डार्क पार्ट है मैंने सब जगह चारकोल पेंसिल यूज की है, एक ही चारकोल पेंसिल वो मैंने यूज करा है इस वीडियो में। जितना भी डार्क पार्ट है आप एक ही चारकोल पेंसिल से देख रहे हो। एंड हेयर के स्ट्रोक के लिए मैंने इरेजर यूज करा है। आप अगर चाहें तो आप हेयर वाले पार्ट को ना और पेंसिल से कलर ही मत कीजिए, ताकि वो एरिया व्हाइट रहेगा तो हेयर के स्ट्रोक ऑटोमेटिकली दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ कि हेयर के शो कैसे देने हैं और कैसे वाइट शो करवाने हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमने इस पार्ट को कवर अप कर लिया है, एंड सेम गोज टू इस वाले पार्ट को भी करना है, ठीक है? डार्क एरिया पे जिस तरीके से कुछ पेंसिल के शो लेने हैं। बस खाली आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि कहाँ पे ज्यादा डार्क है और डेप्थ कैसे दिखानी है, ठीक है? वो धीरे 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 जब आप पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे इसमें। और हाँ, हेयर के शॉप के लिए आप कुछ इस तरीके से हेयर बना सकते हो इजीली। और अभी हम इसके साइड साइड के पार्ट को कर लेते हैं डार्क चारकोल पेंसिल के साथ। आप चारकोल पेंसिल को इस पर रब करके उसका
जो एक्सेस बुरादा है वो भी यूज करके कुछ इस तरीके से डार्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पेंसिल से भी कर सकते हो। तो गाइस इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 टूल की जरूरत है, एक चारकोल पेंसिल, एक 8B पेंसिल और एक इरेजर। सिंपल। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।